नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने ऑनलाइन बिजनेस है का आपके जीवन पर क्या परिणाम होने जा रहा है, आपके लाइफ में उसका क्या इफेक्ट आएगा। और सिर्फ ये आम कंज्यूमर की बात नहीं है, लेकिन इसका जो भी प्रभाव है वो सभी के ऊपर, सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर पढ़ने जा रहा है। और क्या है, किस तरह से है और क्या चेंजेस इसमें आने की संभावना है, इसकी हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे। और ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, ये जितने बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर्स हैं नॉर्मल मार्केट के, उनके ऊपर भी इसका परिणाम होगा, बेनिफिशियल परिणाम होगा, अच्छा परिणाम होगा। और भारतीय नागरिकों पर भी इसका अच्छा परिणाम होगा। क्या होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से आपके लिए बेहतर सुविधा हो सकेगी, इसकी हम पूरी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पिछले दिनों से हमें काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से। ये लोग जानना चाहते हैं, यानी आप लोग जानना चाहते हो कि ये जो ट्विटर और जो फेसबुक और इसके बारे में जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनका जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लाया, जैसे कि ग्रीवेंसेस रिट्रेसल ऑफिसर के विषय में हो या ऐसी सब चीज़ें जिससे कि देश का हित सेफगार्ड किया जा सके, तो ऐसे ही ये बात चल रही थी कई सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में कि गवर्नमेंट जो है, ये अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, शॉपिफाई हुआ और ऐसे कई सारे ऐप्स है और कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जो लोग भारत में बिजनेस करते हैं और ये आपके घर तक आपको जो वस्तु चाहिए, जो चीज़ चाहिए, उसे आपके घर तक उपलब्ध करा के देते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं या कैश ऑन डिलीवरी होता है, ऐसे कई सारे तरीके इनके होते हैं। तो इसमें अभी जो गवर्नमेंट क्या इसमें कर सकती है जिससे कि आपको, यानी भारत के नागरिकों को सेफगार्ड करने के लिए, और किस तरह की इसमें चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलने की पूरी पूरी संभावना है, इसकी हम आपको इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी देंगे। आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उसे दबाकर आपको उसमें ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप सिलेक्ट करके क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज की और हमारे सभी एपिसोड्स की तुरंत और जल्द से जल्द जानकारी मिल सके और आप उसे जल्द से जल्द देखकर नई और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। तो आते हैं हम अपने इस विषय को अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि कानून या हमारा संविधान किस तरह से काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 90s में जब इंटरनेट भारत में आया था, तो उस विषय में ना ही कोई उसका प्रावधान था, ना ही उसके लिए कोई प्रोविजन थी लॉ में, और ना ही उसके लिए कोई कानून था, तो उसके लिए एक कानून लाना पड़ा था। और जिसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये भारत में लाया गया और इसको अमल में लाया गया। इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, यानी कानूनी क्या है, गैरकानूनी क्या है, इसका विवरण और उसकी जो छाटनी है उसमें की गई, उसका बाइफर्केशन किया गया, क्या क्या चीज़ बैंड है इस तरह के। तो उसी तरह से हर चीज़ के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है। जैसे कि कॉल सेंटर्स के लिए कानून लाया गया था कि बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं BPOs, तो वहाँ पर कैसा रहता है कि आपने ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा कि अगर आपने कभी वहाँ कस्टमर कॉल सेंटर में कॉल किया उनके किसी भी असिस्टेंस के लिए, तो आपके साथ एग्जीक्यूटिव लोग बात करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो भी वस्तु है, जो सामान आपने ऑर्डर किया, आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है, लेकिन आपको ना ही SMS आता है, ना ही वो डिलीवरी पर्सन का नंबर आता है, तो आपके शेड्यूल के हिसाब से आप उसे डिलीवरी को शेड्यूल नहीं करवा पाते, तो आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और उसको आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। आप जिस समय घर पर उपलब्ध हो, अगर आपके घर पर कोई नहीं है, तो जिस समय आप उपलब्ध हो उस समय वो डिलीवरी आए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं रह रहा है, आजू बाजू का घर भी अगर खाली है, तो वो वापस जाएगा और फिर कब आएगा उसका कोई पता नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारी असुविधाएँ आम इंसान को होती हैं। ऐसे कई सारे चीज़ें जो हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, जिनके रिटेल के दुकान हैं या फिर उनके अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी चीज़ के, या बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनको भी ये सब चीज़ों का परिणाम, इसको ये जो चेंजेस आने जा रहे हैं, इसके परिणाम
पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप इस पे वीडियो में पूरा जो है इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये देखिए, जब आप उस कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो वहां पर आपको एग्जीक्यूटिव बात करता है और आपको सही जानकारी नहीं मिलती, आपको कहते हैं कि हमारे पास वो डिलीवरी पर्सनल का नंबर उपलब्ध नहीं है। फिर आप एक दो बार तीन बार ऐसे होने के बाद में फिर आप उसे कहते हैं कि आपके टीम लीडर को कॉल दीजिए या मैनेजर को कॉल दीजिए, तो वो कहता है कि नहीं वो बिजी है, वो होता ही नहीं वहां पर। तब कई बार ऐसा होता है कि टीम लीडर एक्चुअली वहां होते नहीं, कई बार ऐसे होता है कि टीम लीडर होते हैं लेकिन वो बिजी होते हैं, कहते हैं नहीं भी बिजी होंगे तो कहते हैं कि वो बिजी है। तो बीपीओ के लिए जो नियम बनाए गए थे उसके भी अवहेलना ये काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर कर रही हैं और जिससे भारतीय नागरिकों को काफी तकलीफ हो रही है। और जो फ्लोर मैनेजर उस समय होने चाहिए, भले तीन शिफ्ट है तो उनके हर शिफ्ट में एक फ्लोर मैनेजर उनका होना चाहिए कॉल सेंटर में, वो भी नहीं होता। ऐसी कई सारी नियम है, कानून है जो ये लोग नहीं अमल में लाते, नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस को क्या होगा और आम इंसान के लिए क्या फायदा होगा, इसकी हम आपको पूरी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आम इंसान के लिए तो अभी हमने ये जो बात बताई तो इसमें ये है कि इसमें कुछ चेंजेस इसके पहले भी लाए हैं पिछले कुछ महीनों की, ये जो भी वस्तु जो आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है इन्होंने अपने वेबसाइट में, यानी जैसे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपिफाई हो या और सही ऐसी कई सारी एप्स और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेलिंग के, तो वहां पर ये लोग नहीं लिखते थे कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ बना है। तो अब जो इनके ऊपर नियम है उसमें उन्होंने ये बताना है कि वो चीज़ कहाँ बनी हुई है प्रोडक्ट, जिससे कि लेने वाले को मालूम होता है कि ये चीज़ हमने लेनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हालांकि चाइना का सामान बहुत सस्ता आता है लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता ड्यूरेबिलिटी के मामले में, और बाकी सारे देशों के प्रोडक्ट्स ये लोग कम रखते हैं, भारत के भी कम रखते हैं। जब ये ऑनलाइन शॉपिंग का हिसाब चालू हुआ था, ये सब प्रक्रियाएं चालू हुई थी, तो उस समय इन लोगों के पास ज्यादातर 90-95% से ज्यादा ये चाइना के ही प्रोडक्ट्स बेचा करते थे क्योंकि वो सस्ते हैं और जल्दी सेल हो जाएंगे। लेकिन इस विषय में ऐसा है, आपको एक बात बता दूं कि जितने लोग चाइना से यहाँ टनों के टन माल आते हैं, कंटेनर के कंटेनर माल आते रहे हैं, वो जो लोग ये लेकर के और कॉरपोरेट्स में ये चीजें सप्लाई करते थे, मतलब अमेजोन तो ठीक है रिटेलिंग के इसमें है कि रिटेल कंज्यूमर्स को ये सब प्रोवाइड करना, लेकिन जो लोग होलसेल के और काफी सारे अरबों खरबों रुपए के ये सब आता था, तो उन लोगों ने जो वहां से इंपोर्ट करते थे या इंपोर्टर के थ्रू मंगवा के और यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के साथ उनका नेगोशिएशन करते थे लार्ज स्केल में, बल्क स्केल में, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने अब उसमें दूसरा काम चालू कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि ये जो प्रोडक्ट्स वो मंगाते हैं इन अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत ही कम संख्या में, और उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर उसका करवाना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी का सवाल आता है और प्राइस लगभग वही रहती है। मान लीजिए कि आपने एक पाउच दिया, अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं डॉक्टर्स वो एक पाउच यूज करते हैं, तो वो जो पाउच उनका होता है वो पाउच मान लीजिए कि वो 400 या 500 रुपए का चाइना मेड आता है, एक दो तीन वराइटीज होंगी, वही पाउच यहाँ बनाएंगे तो लगभग उतने में ही बिकता है, बल्कि जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो ज्यादा होता है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है कि जो भारतीय नागरिक ने बनाया है तो वहां पर उन्होंने जिस बिजनेसमैन से लिया है, जिस मैन्युफैक्चरर से लिया, उसने भारतीय लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, तो भारत में रोजगार की जो संख्या है और जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती है। तो इस तरह के सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है अपने देश हित में। तो सरकार इस तरह की सब पॉलिसीज करने जा रही है कि एक परसेंटेज होगा कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जो भी वो चाइना का माल बेच रहे हैं, क्योंकि चाइना का माल कोई सरकार ने रोकना भी नहीं चाहिए वैसे तो, और दूसरी बात कि ये जो भी कुछ है सिस्टम, ये किसी भी देश का माल रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो 1991 या 92 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उस समय उन्होंने वो साइन की थी, इट इज इररिवर्सिबल, क्योंकि पूरे विश्व को एक ही स्तर पर एक ग्लोबल मार्केट, एक प्लेटफॉर्म ऐसा माना गया है उस समय। तो उसमें हमने उसके लिए जितनी फैसिलिटी दे सकते हैं ये देना है। ये हमारे जो गैट का एग्रीमेंट साइन हुआ था 1995 में, यानी ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो नरसिम्हा राव जी ने किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उसमें हमें आगे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं आ सकते, लेकिन उसमें हम जरूर कुछ ना कुछ तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये सिर्फ एक ही देश का माल नहीं बेचे। उसमें ऐसा हम कर सकते हैं
कि भारत में जो मैन्युफैक्चर्ड जो भी चीजें हैं या भारतीय कंपनियों की मैन्युफैक्चर्ड जो भी चीजें हैं उसका एक अमुक परसेंटेज यानी एक्स वाई जेड परसेंटेज ये हमारा अपने इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का अपने 30% या 35% या 25% रखना जरूरी है। और आप पूरी जो चीजें बेच रहे हैं वो एक ही देश के ना हो, उसमें कम से कम जो भी हो किसी भी देश की वो 25% से ज्यादा ना हो या क्या हो, इस तरह के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भारत सरकार को अधिकार रखने का। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई लिमिटेशंस या इस तरह की कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि यहाँ पर किसी की मोनोपोली नहीं चले। जैसे कि आपने देखा होगा कि अफ्रीका या कई छोटे छोटे देश है वहां पर चाइना ने किस तरह से कब्जा कर लिया उन देशों को, उन्होंने सरकारों को लोन दे दिया, अब उनकी जो जमीन पर वो कब्जा करने को देख रहे हैं, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ चुकी है और उसे आज विश्व के अंदर कोई भी किसी भी तरह से सहायता करने यानी किसी भी गलत इंटेंशन से वो कर रहे हैं वो तो समझ में आ ही रहा है सबको, विश्व में वो चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, आज सभी लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो इस दिशा में गलत दिशा में वो आगे बढ़ने नहीं पाए, इसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उन्हें जो चीज़ की आदतें पड़ चुकी है कि चाइनीज गुड्स की अगर वही प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और यहाँ बिक सकते हैं इन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो शायद इस विषय में कोई किसी को ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम होने का कोई सवाल नहीं है। तो यानी अपने देश में एक तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक जो हालात हैं सबके आर्थिक वो सुधरेंगे, इससे जिस तरह से भारत में एक अच्छा समय जनता के लिए आना चाहिए इसमें ये भी एक प्रयास है, एक प्रयत्न है, तो जो बिल्कुल ही किसी भी एंगल से गलत नहीं है और देश के पूरे पूरे हित में, देश के जनता के पूरी तरह से हर एंगल से हित में है। देखिए अभी आप बोलेंगे कि ये बिजनेसमैन और जो ये ट्रेडर्स हैं जो रेगुलर, इनको क्या फर्क पड़ेगा? तो इनको फर्क पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल जो चीजें मान के चलिए कि एक साबुन है जो कि मान के चलिए कि एक 40 रुपए में बिकता है और उसका जो 5 का एक सेट आता है जिसमें डिस्काउंट होता है तो वो 200 के बजाय 180 में बिक रहा है यानी 10% डिस्काउंट, तो ये हो गया रिटेल स्टोर पर या आपके जो मॉल्स या मार्केट्स में। अब वही चीज ये लोग 150 रुपए में बेच देते हैं, तो कहाँ 280 और कहाँ 150 रुपए, तो लोग क्या करते हैं कि ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो जिसका नतीजा क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है वो इंडिया की वस्तु है, भारत की वस्तु है, तो उसके जो डिमांड है वो ऑनलाइन पर ज्यादा होके ट्रेडिशनल मार्केट में कम हो जाती है। हालांकि ये जो ऑनलाइन मार्केट है या ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इनको ये और सस्ते में क्यों मिलता है? क्योंकि ये ज्यादा बल्क में परचेस करते हैं, ज्यादा बल्क में इसे खरीदी करते हैं, इस वजह से उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, उसके बाद उनके लिए ये कम रेट में बेचना एफोर्डेबल हो जाता है, उनको परवड़ जाता है। तो ये सब तरह की जो चीजें हैं जिससे भारतीय नागरिक को, भारतीय बिजनेसमैन को, भारतीय ट्रेडर को, भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर को जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं गलत तरीके से और गलत कारणों की वजह से, उसे एक तरह से रेगुलेट करना, कंट्रोल में लाना, ये हमारे आर्थिक परिस्थिति के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और इकोनॉमिक रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो भारत में राष्ट्रीयत्व का हित को सोचने वाली और उसको गार्ड करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, उनके नेतृत्व में जो भारत की सरकार है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप ये पूछेंगे कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है वहाँ पर होम डिलीवरी नहीं होती, क्यों नहीं होती? ऐसे कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो जैसे कि अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट, ये तो सब मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, ये ठीक है ये विदेशी हैं, लेकिन हमारे भारत में भी डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इजाद हो चुका है, कई सारे उसमें हैं जिसमें आप ऑनलाइन जा करके ये सब चीज़ें मंगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। मान के चलिए कि अगर 100 डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो उसमें से 80 या 90 ये मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं या विदेशी कंपनियों के हैं, जिसके वजह से भारत को या भारतीय नागरिकों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, वो चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से हो चाहे फाइनेंशियल पॉलिसी के हिसाब से हो। तो इसे गार्ड करना ये हमारे भारत सरकार का काम है, उसी के लिए हमने उन्हें वहाँ पर चुनकर बिठाया है, वो उस चीज़ के जो हैं वो गार्डियन हैं, वो ट्रस्टी हैं और उन्हें संविधान से और हमारे मतदान की वजह से उनको पूरा पूरा अधिकार है कि हमारे इंटरेस्ट को, हमारे देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, क्योंकि आप और हम ही इस देश के ओनर हैं, हम शेयर होल्डर हैं, हमारे टैक्सेस पे ये सरकार चलती है,
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो हमने जिस ट्रस्टी को बिठाया है उसे हमें इस चीज में पूरा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसी जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इस विषय में मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये किस तरह से होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर, जो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं उनके ऊपर किस तरह से परिणाम करता है, रह गए कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं भारत में उनके ऊपर किस तरह से ये परिणाम करता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो कहाँ जाए, क्या करे, यानी कि अगर वो साइबर पुलिस स्टेशन में जा करके और अपना FIR लिखाते हैं तो उसमें सब काफ़ी सारा समय जाता है, लेकिन उसके पहले भी उसका कुछ रिट्रेसल हो, उसके लिए कुछ रेमेडी हो या उसका कोई और रास्ता हो, तो सरकार का प्रयास ये रहेगा कि जितना कम तकलीफ, यानी भले इंसाफ के लिए सही लेकिन जितना कम तकलीफ हो वो उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि भारतीय नागरिक को अगर भारत में बैठकर जितना तकलीफ ऑलरेडी हो रही है, जिस तरह से जो एटीट्यूड इन मल्टीनेशनल्स का रहता है, हमने खुद ने भी अनुभव किया है और इस बारे में हमारा कोई बहुत अच्छा अनुभव है, ऐसे नहीं है, ये लोग भारतीयों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो पिछले दौर में जब ये अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया था और ब्रिटिश इंडिया की सरकार बनाई थी, तो वो तो कहते थे कि ये सपेरों का देश है, जबकि ये लोग की खुद की जो शिक्षा नीति है या शिक्षा यंत्रणा है उनके खुद के देशों की, तो वो बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल और ये सब तो हमारे यहाँ तो पहले से ही 10,000 साल पहले से यहाँ पर गुरुकुल चलते आ रहे हैं, तो क्या गलत था हमारा। तो ये चीज़ है कि हमारे पास वो सब ऑलरेडी था जो उनके पास आज है, और हमें अपने अस्तित्व का, ओरिजिनल अस्तित्व का, और हमारा जो पुरातन, यानी हमारी जो ओरिजिनल, हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो पूर्वज, उनकी जो संस्कृति है और उनकी जो ये हीरे जवाहरात जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, क्योंकि इन्हें एक तरह से पर्ल्स डायमंड ही कहा जाना चाहिए, कि जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं संस्कृत में लिखे हुए, आजकल उसके सब ट्रांसलेशन हिंदी, मराठी, इंग्लिश में सब चीज़ों में उपलब्ध हैं, श्रीमद् भगवद्गीता के भी उपलब्ध हैं, तो हमारा इतना बड़ा जो ये है पूर्वजों का खजाना, जिसे हमें समझना, अच्छे से पढ़ना, समझना, उसकी पूरी जानकारी लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम और हमारे यहाँ के कुछ लिमिटेड यंगस्टर्स हैं, यंग पीढ़ी है, युवा, ऐसा कुछ उसके अंदर घटक है कि जो एक तबका जो कि समझता है कि हमने ब्रिटिश में या यूके में बनी हुई चीज़ या US में बनी हुई चीज़ पहन ली तो हम कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए, नहीं है, आप वही पहुँच रहे हैं जाकर के जहाँ पर हम ऑलरेडी थे, हमारे पूर्वज ऑलरेडी थे, कि जहाँ पर अगर आप पुराने जो हमारे जो उपनिषद, पुराण और वेद और ये सब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ से चंद्र या मंगल कितना दूरी पर था, और उसके बाद इनको कई हज़ार साल लगे कि ये रेडार का इन्वेंट करके, उसको रेडार को इन्वेंट करके, उसका ईजाद करके, और वो कितनी दूरी है मंगल ग्रह की, चंद्र ग्रह की, गुरु ग्रह की, ये उन्होंने हम, अब वो लोग हमें बताएंगे जो कि 10,000 साल से हमारे पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, और वो भी बिना किसी रेडार या इस शॉर्टवेव के, हमारे पास अलग ही तकनीकें थी, इन्होंने आकर के, ये जो मुगल आए और जो ब्रिटिश आए, इन्होंने आके आपकी जो पूरी जो पारंपरिक जो यंत्रणा थी उसे पूरा नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और कई सारी चीज़ें वो यहाँ से लूट करके लेके गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जिसे अगर हम एक साथ लाएं तो हमें समझेगा कि हमारे पास कौन सा खजाना है, ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपके घर में जो युवा हैं या जो बालक हैं, बच्चे हैं, उन्हें हमारे संस्कृति के बारे में ज्ञान दें और उन्हें ये समझाएं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या बहुत बड़ा नॉलेज छोड़ा है। आप खुद भी उसे पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें जब समय मिले, और आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब तक भारत में मोदी जी हैं तो देश का हित वो पूरी तरह से गार्ड होगा, वो सेफ गार्ड करेंगे और वो हर तरह का सही काम करेंगे, चाहे हो सकता है कि उनके मंत्रिमंडल में या उनके साथ काम करने वालों में 2-4 लोग ऐसे हों जो गलत इंटेंशन से हो, क्या है, लेकिन मोदी जी के जब जानकारी में आएगा या हम जब उन्हें बताते हैं तो उसके ऊपर बराबर से कार्रवाई की जाती है और उसे दरकिनार कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी तरह से पोजीशन, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी पोजीशन मिसयूज नहीं कर पाए। कहने का हमारा मतलब ये है कि हमारे जो सरकार है और जो देश है वो सही हाथों में है, और ये जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज में अगर कुछ चेंजेस लाती है सरकार, जो हमें हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि बहुत जल्दी होने जा रहा है, तो उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, सहकार्य करें, और ये जो रूटीन मीडिया है
ये आपको गुमराह करेगी, 100% आपको गुमराह करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप इनसे बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें, और ये जो भी मुद्दे कहते हैं अगर आपसे, तो आप उन्हें हर एंगल से 360 डिग्री उसे समझें, एनालाइज करने की कोशिश करें और सही निर्णय पर पहुंचे। कभी भी आप गुमराह ना हो जाए आसानी से इन बेवकूफ़ों के कुछ भी बकने पर और कहने पर, क्योंकि हम भारतीयों को साथ में रहना है। ये ब्रिटिश मीडिया को तो पता नहीं कहाँ से फंडिंग और फाइनेंसिंग आती है कि देश हित के खिलाफ बात की जाए, नेशनलिज्म के खिलाफ बात की जाए। खैर, इनके कर्म इनके साथ है, जैसा ये कर्म करेंगे वैसे इन्हीं को फल मिलेगा, इस सृष्टि का नियम है। और फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स में जो फिजिक्स के अंदर भी लॉ ऑफ मोशन जो है, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो ये 200-400 साल से जानते हैं और हम हमारे पूर्वजों से ही हजारों सालों से जानते हैं। तो आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में जो आइकन का लोगो है उस पर क्लिक करके ऑल को, ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करें, ताकि आपको हमारे इन वीडियोस की, इन एपिसोड्स की सही सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।